हेलो फ्रेंड नमस्कार कैसे हैं आप सब फ्रेंड आज मैं फिर एक नए डिज़ाइन में बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली लेडीज सॉक्स बनाने जा रही हूँ फ्रेंड मैंने ये दो कलर लिए हैं कलर्स आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं ये तीन प्लाई की वूल है दस नंबर की सिलाई ली है और फ्रेंड मैंने ये पाँच फंदे डाले हैं अब हम क्या करेंगे पहला फंदा उतार लेंगे सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे अब उल्टी साइड पे आ गए हैं उल्टी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे फिर सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे अब सीधी साइड पे आ गए हैं पहला फंदा उतार लेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे फ्रेंड ये टोटल हमारे पांच फंदे हैं अब हम क्या करेंगे अब हम फंदा बढ़ाएंगे हमने दो फंदे हमारे हो गए हैं अब हम क्या करेंगे ये हमारा बीच का फंदा है इससे पहले और इसके बाद हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो हमारी यहाँ पे जाली बनेगी और फंदा भी बढ़ेगा ये देखिए ये फंदा हम सीधा बुनेंगे उसके बाद गुड़ को अपनी तरफ लाए ये दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे उल्टी साइड पे आ गए हैं पहला फंदा उतार लेंगे अब अब ये वाला हमारा देखिए जाली वाला फंदा है इसको उल्टा बुन लेंगे ये हमारा सेंटर का फंदा है और ये हमारा जाली का फंदा है इसको इस तरह से बुनेंगे ये देखिए फिर ये देखिए ये देखिए जाली पड़ गई और फंदा भी पड़ गया दो चार छह सात दो फंदे पड़ गए अब फिर ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे एक जो ये फंदा बड़ा हुआ था इसको भी हम बोल लेंगे अब ये सेंटर का फंदा इससे पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है तो हम इस तरह से बोल को लपेटेंगे और इसको सीधा बोल लेंगे उसके बाद फिर एक फंदा बढ़ाना है इसको हम इस तरह से बोल को लपेटेंगे उनको अपनी तरफ लाना है हमने क्योंकि हमने यहाँ पे उल्टा बुनना है तो एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बुन लिए अब उल्टी साइड पे आ गए हैं पहला फंदा उतार लेंगे ये देखिए उल्टी साइड पे हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना ये ये देखिए जाली वाला फंदा इसको उल्टा बुन लेंगे ये सेंटर का फंदा है और फिर ये जाली वाला फंदा इसको हम इस तरह से बुनेंगे ये देखिए फिर ये जाली भी पड़ रही है और फंदे भी बढ़ रहे हैं दो चार छ आठ और एक नौ नौ फंदे हो गए अब फिर सीधी साइड पे आ गए ये हो गए दो फंदे तीन जो ये फंदा अभी बढ़ाया था हमने उसको भी हम उल्टा बुन लेंगे तो चार फंदे ये फंदा हमारा से, सेंटर का फंदा है तो उससे पहले और उसके बाद हमें एक फंदा बढ़ाते हैं तो अब इसको हम इस तरह से को इस तरह से लपेटेंगे अब इस वाले फंदे को सेंटर वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे अब ये फंदे हमने उल्टे बुनने अब वो को इस तरह से उल्टी तरफ से हम इस तरह से लपेटेंगे अब इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे पहला फंदा उतार लेंगे अब सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड से ये, ये देखिए ये हमारा बड़ा वो फंदा है जो जाली वाला है उसको उल्टा बुन लेंगे ये हमारा सेंटर का फंदा है ये फिर जाली वाला फंदा है इसको इस तरह से बुनेंगे ये देखिए इस तरह से ये देखिए जाली भी पड़ रही है और फंदे भी पड़ रहे हैं ये देखिए दो चार छः आठ दस ग्यारह ग्यारह फंदे हो गए दो फंदे अब फिर हमारे बढ़ गए ये देखिए दोनों तरफ से जाली पड़ रही है और फंदे भी बढ़ रहे हैं तो इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे फ्रेंड सीधी साइड से हमने फंदे बढ़ाने हैं दो चार पाँच पाँच फंदे इस साइड हो गए दो चार पाँच पाँच फंदे इस साइड हो गए तो ये सेंटर का फंदा है ये देखिए सेंटर के फंदे को हम सीधी साइड से सीधा उल्टी साइड से हम उल्टा बुनेंगे और इस फंदे से जो ये सेंटर का फंदा है इस साइड और इस साइड सेंटर का फंदा है उसको बुनने से पहले एक फंदा बढ़ाना फंदा भी बढ़ेगा और जाली भी पड़ेगी उल्टी साइड से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है तो फ्रेंड इस तरह से हम बनाते जाएंगे हमने इस जालियां तक बढ़ाना है एक दो तीन तीन जालियां तक बना लिया तो हमने टोटल बाईस जाली तक बनाना है तो ये बाईस जाली तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फिर मैंने बाईस जाली तक बना लिया है एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस और ये लास्ट में बाईस बाईस जाली तक मैंने बना लिया अब हम क्या करेंगे हम सीधी साइड है सीधी साइड पर पहले हम पहला फंदा उतार लेंगे और फिर ये सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हम जाली डालते हैं और एक, एक फंदा भी बढ़ता है और जाली भी डलती है ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है इसको अब यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है और हमारी यहाँ पे जाली भी डलेगी तो हम इस तरह से वूल लपेटेंगे इस तरह से ये वाला फंदा हमारा सीधा हुआ सीधा बुनेंगे उसके बाद फिर इस तरह से वूल पेटेंगे फूल को अपनी तरफ लाएंगे और बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे तो दोनों साइड से हमारे तेईस तेईस फंदे हो गए और पांच फंदे हमारे पहले थे तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा, उल्टा बुन के फैंट पूरी रो रख कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे अब उल्टी साइड पे आगे, आगे उल्टी से मैंने वाइट वूल को हम मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है अब उल्टी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे अब फिर अब हम व्हाइट वूल से बुनेंगे अब दो बार इस तरह से हम वूल को लपेटेंगे ये। ये। इस तरह से दो बार वूल को हम लपेटेंगे हमने ये उल्टी साइड से करना फ्रेंड्स एक दो दो बार लपेट लिया एक, दो ये देखिए फिर एक बार फिर एक बार और लपेटेंगे दो बार लपेटेंगे हम बोल को इस तरह से ये हमारा ये जाली वाला फंदा है अब इस पे भी हम दो बार बोल लपेट ले लेते हैं ये हमारा सीधी साइड से सीधा ये फंदा हमारा सीधी साइड से सीधा उल्टी साइड से उल्टा बुनते हैं इसको हम उल्टा ही बोलेंगे फिर आगे ये हमारा फंदा है जाली वाला इसको भी हम दो बार बुल्ड पेट लेंगे इस तरह से फ्रेंड हम सभी फंदों को हम इस तरह से दो बार बुल्ड पेटते हुए पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके सीधी साइड पे आएंगे लास्ट वाले फंदों को हम इसी तरह से बोलेंगे। लेंगे सीधी साइड आ गए पहला फंदा उतार लेंगे इसे क्या फ्रेंड अबूल को हम खोलेंगे एक दो तीन इसको इस सिलाई में ले लेंगे अब तीन को हम इस तरह से एक दो फिर एक बार फिर यहीं पे कर लेंगे तीन फिर एक दो तीन तीन फंदे खोल लिए इस सिलाई में लेंगे अब तीन फंदों का पहले हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे एक बार फिर यानी तीन फंदे हमारे कम हुए तीन फंदे हमने यहां पे बढ़ा लिए ना कोई फंदा कम हुआ ना कोई फंदा हमारा बढ़ा ये देखिए एक दो तीन इसको इस सिलाई में ले लिया एक दो एक बार फिर बुनेंगे उल्टा तीन एक दो इस इस तरह इस तरह ये देखिए एक, एक बार बुना एक फंदा बढ़ाया फिर उल्टा बुना यानी तीन फंदे हमारे कम हुए तीन, तीन फंदे हमने बुन लिए ना कोई फंदा कम हुआ ना ही कोई फंदा हमारा बढ़ा अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ ये फंदा हम सीधी साइड सीधा उल्टी साइड उल्टा बुनते हैं उससे पहले हम जाली बनाते हैं तो हम जाली बनाएंगे ये इस तरह से हम जाली बनाएंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर एक दो तीन फिर वैसे ही हम बुनेंगे इस तरह से ये सारा करते हैं फ्रेंड्स हम पूरी रो हम यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे तो लास्ट में ये वाला फंदा हम उल्टा भून लेंगे उल्टी साइड पे आ गया फ्रेंड्स वैसे ये डिजाइन आएगा फ्रेंड्स ये इस तरह से अब हम क्या करेंगे अब पहला फंदा उतार लेंगे अब दूसरी वूल से हम सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे सभी फंदों को फ्रेंड्स हम उल्टा उल्टा बुनेंगे फिर ये फंदा सीधी साइड से सीधा उल्टी साइड से उल्टा बुनते हैं इसको हम उल्टा बुन लेंगे ये हमारा जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा बुन लेंगे और तो बाकी के फंदों का भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे उल्टा उल्टा बुन के पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे तो फ्रेंड्स सीधी साइड पे आ गए इस तरह से फ्रेंड ये हमारा डिज़ाइन बनेगा इस तरह से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स सिर्फ दो सिलाई का डिज़ाइन है अब हम क्या करेंगे इस कलर के उल्टी साइड से हमारी एक रो होगी अब यहां पे सीधी साइड से हम सीधा सीधा बुनेंगे अब पहला फंदा उतार लेंगे अब सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे अब हम इस कलर से कोई डिजाइन नहीं डालेंगे हमने सभी फंदों को हमने सीधा सीधा भुनना है Okay, ये हमारा सेंटर का फंदा है सीधी साइड से सीधा उल्टी साइड से उल्टा बुनते हैं उससे ले हाँ। एक फंदा हम बढ़ाएंगे इस तरह से इसको सीधा बुन लेंगे अब इस वाले फंदे को भी हम बढ़ाएंगे इससे पहले जाली डालेंगे फंदा बढ़ा लिया अब सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे फ्रेंड इस ये जो हमारा सेंटर का फंदा है ये इससे पहले हमने इस साइड और दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है उल्टी साइड से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना तो सभी फंदों को सीधा सीधा बुन के पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे आ गया फ्रेंड्स उल्टी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे और उल्टी साइड हम सारी उल्टी उल्टी बुनेंगे उल्टी साइड पे हमने कोई फंदा हमने नहीं बढ़ाना सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पर आएंगे सीधी साइड पर आ गए इस कलर की फ्रेंड हम चार सिलाईया करेंगे उल्टी साइड से की फिर सीधी साइड से उल्टी साइड से अब फिर सीधी साइड से करेंगे तो अब हम क्या करेंगे सीधी साइड से हम फिर एक बार सीधा सीधा बुनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे अब सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिए फ्रेंड्स ये हमारा सेंटर का फंदा है इससे पहले हम दोनों साइड एक फंदा बढ़ाते हैं ये फंदा सीधा बुन लिया क्योंकि सीधी साइड सीधा उल्टी साइड से उल्टा बुनते हैं सेंटर का फंदा है उसके बाद फिर एक फंदा फिर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा फंदा भी पड़ेगा और एक जाली भी पड़ेगी हमने हर सीधी सिलाई पे हमने दोनों इस जो सेंटर का फंदा है इस पर दोनों साइड से हमने एक एक फंदा बढ़ाना है तो उसके बाद तो फिर सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे हु सीधा सीधा बुन के पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे आ गया फ्रेंड्स इस कलर की हमने फिर चार सिलाइयाँ कर ली दो सीधी साइड से दो हमने उल्टी साइड से अब पहला फंदा उतार लेंगे अब यहाँ पे वूल चेंज करेंगे वाइट कलर से बनाएंगे पर दो बार लपेटेंगे वूल को क्योंकि हमने डिजाइन डालना है उल्टी साइड पे हम व्हाइट कलर से हर फंदे पे दो बार बुल लपेटेंगे इस तरह से एक दो एक दो एक दो दो बार बुल लपेटेंगे ये हमारा जाली वाला फंदा है दो बार बुल लपेटेंगे इस फंदे पे नहीं लपेटे सेंटर का फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे फिर ये हमारा जाली वाला फंदा है दो बार बोल पेटेंगे। इस तरह से हम सभी फंदों पर दो बार बोल लपेट कर उल्टा उल्टा बुन के पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे सीधी साइड पे आ गया सीधी साइड पे, 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 पे पहला फंदा उतार लेंगे अब एक दो तीन तीन फंदों को खोलेंगे उल्टा बुनेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे फिर एक बार फिर उल्टा बुनेंगे यानी तीन फंदे हमने कम किए तीन फंदे हमने बढ़ा लिए तो कोई फंदा कम नहीं हुआ ना कोई फंदा बढ़ा एक दो तीन इस तरह से फ्रंट डिजाइन बनेगा हम क्या करेंगे तीन फंदों को हम खोलेंगे एक बार उल्टा बुनेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे फिर एक बार फिर हम उल्टा बुनेंगे यानी तीन फंदे हम, हमारे कम हुए तीन फंदे हमने बढ़ा लिए ना कोई फंदा कम हुआ ना कोई फंदा हमारा बढ़ा इस तरह से ये पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे लेकिन सीधी साइड पे सेंटर में हम क्या करेंगे एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे उल्टी साइड हमने सारी उल्टी उल्टी बुननी है उसके बाद ये वाइट कलर की दो सिलाइयाँ करने के बाद उल्टी साइड से फिर हम जो ये हमारा बेस कलर है इसकी इससे हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे यानी इसकी फिर हम इस बेस कलर से हम चार सिलाइयाँ करेंगे दो सीधी साइड से दो उल्टी साइड से सीधी साइड से सीधा बुनेंगे उल्टी साइड से हम उल्टा बुनेंगे उसके बाद फिर उल्टी साइड से फिर हम ये डिज़ाइन डालेंगे वाइट कलर से सीधी साइड से हमने दोनों दोनों साइड से एक एक फंदा हमने बढ़ाना है तो जाली भी डलेगी और फंदा भी बढ़ेगा तो फ्रेंड इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे जितनी लेंथ मुझे सॉक्स की चाहिए उतनी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड इस तरह से हमारी सॉक्स आएगी मैंने इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात सात डिजाइन मैंने बनाए हैं फ्रेंड यहाँ से फंदे बढ़ते बढ़ते हमारे ऊपर जो फंदे हो गए वो नाइन्टी थ्री हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम वाइट कलर ल को कट कर देंगे अब बेस कलर जो हमारा है, उसी से हम आगे सॉक्स बनाएंगे उल्टी साइड पे हैं फ्रेंड्स उल्टी साइड पे क्या करेंगे पहला फंदा उतार लेंगे अब हम फोर्टी फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे बुनेंगे फोर्टी फंदे तो फ्रेंड मैंने फोर्टी सेवन फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं फोर्टी सिक्स फंदे हमारे इस साइड होंगे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अठतीस चालीस बयालीस चौतालीस और ये दो फंदे हमारे ये देखिए दो फंदे छियालीस तो इधर हमने फोर्टी सेवन फंदे मैंने बुने हैं इधर इस साइड हमारे फोर्टी सिक्स फंदे या तो एक फंदा आप इस साइड ले लीजिए या फंदा इस साइड ले लीजिए मैंने इस साइड लिया है फंदा अब हम ये वाले फंदे नहीं बुनेंगे अब यही से उल्टा देंगे फिर जब हम ये बीच में जो ये डालते थे सीधी साइड सीधा उल्टी साइड उल्टा, उल्टा बुनते थे लेकिन अब हमने उल्टा उल्टा बुनना है सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा बुनना है तो यहाँ फोर्टी सेवन फंदे हैं तो दो फंदों का एक कर देंगे तो हम यहाँ भी हमारे बराबर फंदे हो जाएंगे ये दो फंदों का एक कर देंगे तो यहाँ भी हमारे फोर्टी सिक्स हो गए यहाँ भी हमारे फोर्टी सिक्स फंदे हो गए दोनों साइड बराबर हो गए अब सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे तो उल्टी साइड पे आ गए उल्टी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे अब फिर सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स हम ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ तक उसके बाद फिर हम उल्टा देंगे उल्टाने के बाद हम सीधी साइड से फैंड फिर इन्हीं छियालीस फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे फिर अब हमने क्या करना है सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा बुना है उल्टा, उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स हम इसकी टोटल अठारह सिलाइयाँ करेंगे सीधी साइड उल्टी साइड को मिला के इसकी टोटल अट्ठारह सिलाइयाँ करेंगे तो हमारी यहाँ पे पलवाइस नौ रो बनेंगी सीधी साइड उल्टी साइड दोनों को अगर हम बुनते हैं तो हमारी यहाँ पे एक पलवाइस रो बनेगी अठारह सलाइयाँ करेंगे पलवाइस नो रो बनेंगी उसके बाद फिर सभी फंदों को बंद कर देंगे फिर ये छियालीस फंदे हैं फिर इनको हम बुनेंगे सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से हमने इस उल्टा उल्टा बुनना है इसकी भी हमने अठारह सिलाइयाँ करनी है तो यहाँ पल वाइस नो रो बनेंगे तो उसके बाद फिर सभी फंदों को बंद कर देंगे इतना कंप्लीट करके फेंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फिर मैंने दोनों साइड नो नो पल वाइस रो बनाकर बाद में सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है तो इस तरह से हमारी ये सॉक्स दिखाई देगी इस तरह से अब इस सॉक्स की हम सिलाई करेंगे ये हमारी सीधी साइड है हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हमने उल्टी साइड से सिलाई करनी है जहाँ से डिज़ाइन शुरू होता है वहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे उसके बाद यहाँ से लेके हम यहाँ तक सिलाई करेंगे दस सिलाई पहले हम छोड़ देंगे तो ये सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फिर मैंने यहाँ से लेके कर यहाँ तक यहाँ से लेके कर यहाँ तक सिलाई कर ली है दस सिलाई पहले मैंने छोड़ दिया अब हम क्या करेंगे इस तरह से खोलेंगे इस वाली साइड को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से यहाँ से और यहाँ से सिलाई करेंगे तो फ्रेंड मैंने यहां पे सिलाई कर ली है अब इस सॉक्स को हम सीधा करेंगे इसके साथ ही फ्रेंड बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली लेडीज़ सॉक्स बनकर तैयार हो गई है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से तो फिर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय